ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में अपने परिवार के साथ पटना से दिल्ली यात्रा कर रही एक यात्री ने एक्स पर शिकायत करते हुए पोस्ट किया है कि ट्रेन में भोजन के लिए उससे अधिक कीमत वसूली गई। रुचि कोकचा नाम की इस यात्री ने बताया है कि उन्हें वेज थाली की कीमत 150 रुपए बताई गई थी। रुचि कोकचा ने बताया कि इसके बाद ट्रेन स्टाफ ने बिल को दो भागों में बांट दिया। इसमें वेज थाली की कीमत 80 रुपए थी और पनीर का बिल 70 रुपए था। रुचि ने कहा कि जब उन्हें सिर्फ वेज थाली का बिल बनाने के लिए कहा तो स्टाफ एक घंटे तक बहस करता रहा। रुचि ने अपने ट्वीट में रेल मंत्री और भारतीय रेलवे को टैग किया है। IRCTC ने रुचि की शिकायत का जवाब देते हुए कहा है कि मैम, इस मामले को उजागर करने के लिए धन्यवाद, इसे गंभीरता से लिया गया है। सर्विस प्रोवाइडर पर भारी जुर्माना लगाया गया है, साथ ही ओवर चार्जिंग में शामिल संबंधित लाइसेंसधारी स्टाफ को हटा दिया गया है।